सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपने गाड़ी का रेडिएटर गार्ड्स। तो क्या क्या सामान लेके आए अभी हम लोग और कैसे बनने वाला है वो सब दिखा दे। सो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो यहाँ पे ये हम लोग ने एल्युमिनियम की जाली लाई हुई है जो कि रेडिएटर प्रोटेक्टर का काम करेगी। तो इसे हम लोग डबल लेयर में यूज़ करेंगे। हमारा टूल बॉक्स और यहाँ पे गाड़ी अभी कवर डाला है, कवर हटा दे और रेडिएटर की बस फ्रेम हटा लेनी है हमें। और उसके बाद में करते हैं सब स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। तो अभी पहले क्या क्या टूल्स लगेंगे वो भी बता देता हूँ। तो पहले कवर हटा लेते हैं गाड़ी का। तो आज का पोल स्टार्ट भी हम लोग ने अभी दे दिया। तो अभी हम लोग को जस्ट क्या करना है कि ये 12 mm की किए तो इसे हमें रेडिएटर के फ्रेम के 3 बोल्ट्स ओपन कर देने और उसके बाद में फिर हम लोग उसे घर पे लेके जाएंगे और इस जाली को के हिसाब से उसे मतलब उसके हिसाब से ये जाली कट करेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे डबल लेयर। तो इसमें हम लोग ने 12 mm का रेंच टू लगा लिया। तो बस सिंपली हमें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे ठीक हॉर्न के पीछे यहाँ पे, तो ये 3-4 जो है वो हमें ओपन कर लेने बस सिंपली। और उसके बाद में ये देख पा रहे हो ये काफ़ी इजीली निकल जाएंगे सब। तो ये बाहर की तरफ खुलेंगे याद रखना। और एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि ये सब चीज़ें मिसप्लेस ना हो, जो क्लैंप्स वगैरह इसमें लगे हुए जिसमें ये लॉक होगा, अगर वो गुम गया तो फिर वापस से आपको ढूंढना पड़ेगा वो मार्केट में। और ये सब चीज़ें जो गाड़ी के साथ लग जाती है ये बाहर कम ही मिलती है। तो थर्ड वाला बोल्ट जो है वो यहाँ पे, ये हॉर्न की वायर के पीछे, तो इसे राइट साइड में खिसका लेना और इसे यहाँ पे लगा के बस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर देना है। ईजीली ये भी निकल जाएगा जैसे बाकी के निकल गए हमारे। तो गाइस यहाँ पे ये हॉर्न की वायर फंस रही है तो इसे इस तरीके से निकाल लेंगे ऊपर की तरफ और इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेम हमारी नीचे निकल चुकी है। तो जब भी गाइस आप फ्रेम रिमूव करो तो अभी हम लोग को पहले घर पे जाके इसके साइज से कट करना है फ्रेम को और बाद में हम लोग नीचे लाएंगे। तो ये एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पे ये रबर देख पा रहे हो, ये रबर चौथा और यहाँ पे का एक पाँचवा जो कि हम लोग ने निकाल के लिया। तो इतने पार्ट सिक्योर कर लेना। तो अभी जाके सीधा फ्रेम बनाते घर पर साइज से कट करके और फिर नीचे आते। ये जो लाइन देख पा रहे हो तो हमें ये नीडल्स जो बाहर आई है तो इसे कट कर लेना है। तो ये है एल्युमिनियम तो आप नेल कटर से भी काट सकते हो, तो कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। ये आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ये जो शार्प नीडल्स बाहर आई है तो आप नेल कटर से इजीली कट हो जाएंगे या फिर आप सीजर भी यूज़ कर सकते हो, बट सीजर में जैसे कोने छूटने के चांसेस होते हैं इसलिए हम लोग इससे कर रहे हैं। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतना हम लोग कट कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से देख पा रहे हो तो प्रॉपर स्मूथ कर लेना है, मतलब आपके हाथ में ना चुभे या फिर कभी कुछ उसमें फंस ना जाए धागा कपड़ा वगैरह। तो ये देख पा रहे हो तो ऐसा करते करते हमें पूरा ही कर लेना है। तो पहले हम लोग जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कर लेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देख पा रहे हो तो यहाँ तक हम लोग ने मतलब क्लियरली कट कर लिए नेल्स सारे, मतलब जो भी उनकी नीडल्स वगैरह थी वो हम लोग ने कट कर ली। तो यहाँ से अब हमें एक ये लाइन देख पा रहे हो तो ये ऐसे कट करनी है हमें। तो अभी सिंपली हमें बस एक इसी कोई भी पुरानी सीजर ले सकते हो, नई लोगे तो हो सकता है कि उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं पुरानी टूटी हुई यूज़ कर रहा हूँ तो ताकि मम्मी मुझे मारे ना बाद में। सो यहाँ से ये लाइन देख पा रहे हो तो ये यहाँ से हमें कट कर लेनी है यहाँ तक। तो कर लेते हैं इसे 2 पीसेस में डिवाइड और फिर आपको बताऊँगा आगे की प्रोसेस क्या है। सो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से देख पा रहे हो तो एक एंड पकड़ लेना है आपको और सीधा सीधा कट करते जाना है। और इस काम को करते हुए आपके हाथ में चोट लग सकती है क्योंकि इसमें ये नीडल्स इस साइड में होंगी और जैसे जैसे आप काटते जाओगे तो और भी तैयार होंगी वो, तो बी केयरफुल। यहाँ पे ताकत लगानी पड़ रही है अभी थोड़ी, देखते हैं नेल कटर से ही होता है इजी तो इससे ही कर लेंगे। ओके, नेल कटर से ही ईजी पड़ रहा है, इससे ही कर लेंगे पूरा। तो जैसे कि देख पा रहे हो गाइस तो हम लोग ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और यहाँ पे भी जो शार्प नीडल्स है एक तरफ की बनी है तो उन्हें हम लोग कट कर रहे हैं। तो अभी हमें एक और काम करना है कि इस पार्ट को और मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ताकि एक के ऊपर एक लेयर हम लोग नीचे जाने के बाद लगा सके। सो और नीचे आप एल्यूमिनियम के टुकड़े देख पा रहे हो तो प्रॉपरली इसे झाड़ू मार के हटा देना वरना पैर में चुभ जाएंगे। तो
तो ये जो भी DIY प्रोजेक्ट होते हैं इसमें थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। कट हो गए हमारे, तो अभी ये इसकी ये साइड भी पूरी प्रॉपर है, जैसे कि मैं हाथ घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, तो पूरा क्लीन है चारों ओर से। तो अभी बस क्या करना है, इसे डबल करना है, मतलब इसको डबल डिवाइड कर लेना है दो पार्ट्स में। तो कर लेते हैं इसे भी दो पार्ट में डिवाइड। देख पा रहे हो गाइस, ये दो शीट्स है हमारे पास अभी। तो आप बोलो भाई कि इसमें गैप ज़रा ज़्यादा है, तो उसी का सोल्यूशन अभी दिखा रहा हूँ आपको। बस इसको आपको ये जो एक ब्लॉक देख पा रहे हो, तो इसे आपको बस हाफ में मूव करना है आगे, लेफ्ट या राइट जैसा आपको लगे। और ये देखो गैप कितना सा हो गया, मतलब ये हो गया हमारा रेडिएटर ग्रिल प्रॉपर। तो इस पे अगर छोटे मोटे पत्थर लगते हैं तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा हमारे रेडिएटर को। सो नीचे चलते हैं और अभी इंस्टॉलेशन कैसे होगा वो सब देखते हैं। सो लेट्स गो। तो प्रॉपरली फ्रेम तो अपनी रेडी है वैसे, और अभी यहाँ पे हमारा है रेडिएटर। तो पहले हम लोग अभी साइज़ मेजरमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये हम लोग ने थोड़ा सा बड़ा ही काटा है क्योंकि हम लोग बाद में इसे प्रॉपर साइज़ में कट कर सके। तो अभी हम लोग टेप लेके आए, तो प्रॉपर रेडिएटर का मेजरमेंट लेंगे अभी, और उसके बाद में फिर से इसे रीकट करेंगे साइज़ के हिसाब से। सो गाइस, ये एक से लेकर 11 तक रेडिएटर है, मतलब टोटल 11 इंच का रेडिएटर है हमारा। तो पहले हम लोग कट कर लेंगे 11 इंचेस में इस फ्रेम को। तो पहले इस फ्रेम को हम लोग 11 इंचेस में कन्वर्ट कर लेते और उसके बाद में एक और बार फिर से लगा के ट्राई करेंगे कि क्या लुक आ रहा है। तो एक प्रॉपर फ्रेम हम लोग ने कट कर करके बना लिए। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के लिए ये जगह, इस ब्रैकेट के लिए ये जगह, और जो ज़रूरत नहीं है वो हम लोग फिर हटा देंगे, ये एक और ये वाला, और उसके बाद में नीचे ये एक। तो ये सब नीचे का तो प्रॉपर है, सब नट बोल्ट्स लग जाएंगे। तो अभी इसी के सेम साइज़ की हम लोग दूसरी जाली भी बना लेते। तो ये फ्रंट फेसिंग है, तो इसी तरीके से रख के हमें इस जाली पे ये जाली रखनी है अभी, और अभी कट कर लेना है। सो अभी हम लोग एक और जाली बना लेते। इस टाइप से अपना जो है ये रेडी हो गया प्रॉपर, ये प्रॉपरली फिट हो चुका है और कुछ लुक इस टाइप से आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर फ्रेम लगा देंगे, तो इसकी फ्रेम अभी वहाँ पे बढ़िया है, तो फ्रेम लगा के मिलता हूँ आपसे। इजी है, बस जैसे निकाली थी वैसे ही लगानी है, कुछ ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं। यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रू में ये वाला फंसा दिया है, और यहाँ पे स्क्रू में फंसा दिया है दो जाली। और याद रखना कि ये मैंने यहाँ पे कहीं पे पेस्ट नहीं किए, ये डायरेक्ट जाली है यहाँ पे। तो अभी दो कोनों में दो जिप टाई मार लेंगे अभी टेम्पररी, और फिक्स कर देते हैं इसे। तीन मारेंगे, एक लेफ्ट एक राइट और एक डाउन में, तो तीन जिप टाई मार के हमारा काम होता है यहाँ पे ख़त्म। हम लोग गाड़ी चला के आए और ये यहाँ पे इंजन गर्म है अभी, और हम लोग ने लगाया। तो ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, जो कि हम लोग कुछ इस तरीके से ऊपर बेंड कर लेंगे ऐसे, या फिर बाद में मैं काट दूंगा इसे नेल कटर से, दूसरा नेल कटर लेके। इसमें मेरा एक चटका लग गया, तो इसमें एक नेल कटर लेके हम लोग बाद में ये काट देंगे। तो उसके अलावा अगर आप यहाँ से देखोगे तो लुक देखो क्या आ रहा है, रेडिएटर कैसा दिख रहा है, दिखने में और भी नहीं दिख रहा है। और प्रॉपर हम लोगों ने क्रॉस लगाया, उसकी वजह से ज़्यादा जगह भी ये कवर कर रहा है। और पहले जो रेडिएटर के फिन्स भी है वो पूरे ब्लैक दिए इस गाड़ी में, तो वो ब्लैक ब्लैक ही दिखता था, बट अभी ये सिल्वर दिख रहा है। बट दूर से देखोगे तो इतना नोटिस में भी नहीं आता। और प्रॉपर मतलब अभी ये छोटे मोटे पत्थर जो सामने वाले गाड़ी के वगैरह कभी उड़ के आते तो आएंगे यहाँ पे लगेंगे और इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर समझ लो छोटे मोटे पत्थर उड़ के आते तब तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा, और उसके लिए ही ये होता है। अगर समझ लो यहाँ से आके कोई गाड़ी हिट करती है डायरेक्ट यहाँ पे, तो क्रैश गार्ड अभी गाड़ी में है नहीं, क्रैश गार्ड मैंने मंगा के रखा है। और सिरेमिक कोटिंग भी आनी है अपनी, और सिमटेक के भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी। तो जैसे कि मैं लास्ट वीडियोस में बोला था कि मैंने सब पार्ट्स ऑर्डर करके रखे, तो समझ लो अगर आपकी गाड़ी में ये लगा हुआ है बट यहाँ से कोई हिट करता है और आपका रेडिएटर बेंड हो जाता है अंदर की तरफ, तभी भी उस केस में वो लीक मारेगा। बट ये हम लोगों ने सिर्फ पत्थर से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सामने वाले गाड़ियों से कभी बाई चांस उड़ के आते वो सीधा फिन्स पे जाके लग के डैमेज ना करे, और सीधा मतलब छोटी मोटी पाइप हमारे डैमेज ना हो छोटे मोटे पत्थर की वजह से, इसलिए हम लोग ने ये अच्छे से मतलब किया ही है। ये डबल लेयर लगाई हम लोग ने। तो इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, तो 100 रुपये में ये जाली आ जाएगी आपकी, और थोड़ी सी बच जाएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बच जाएगी ये जाली आपकी 100 रुपये में लेने के बाद। वो ऐसा समझ लो कि ऐसे 3 लेयर लगा सकते हो आप 100 रुपये की जाली में। तो भी हम लोगों ने 2 लेयर लगाए क्योंकि 2 मोर देन इनफ है। तो इसी के साथ मेरे पास एक और ऑप्शन था मेटल या फिर स्टील की, मैं मोटी पट्टी लेके उसको ये करवाता, बट नोटिस करने वाली बात ये है कि वो भी अगर हम लोग लगाते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग थी, मतलब ऐसा प्रॉपर गैप्स वगैरह ज़्यादा थे उसमें, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और एक और रीज़न, मेटल और स्टील को ठंडा होने में टाइम लगता है। अभी ये एल्युमिनियम है और फिन्स भी हमारे एल्युमिनियम के ही होते हैं,
तो जितनी जल्दी मतलब गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जल्दी ठंडा होता है फटाफट एयर कॉन्टैक्ट में आने के बाद। तो वो एक रीज़न है कि ये ज़्यादा हीट बढ़ाएगा नहीं। अगर समझ लो हम लोग बड़ा वाला कोई लगा देते और समझ लो होल्स में से हवा पास हो रही है वहाँ पे, तो कुछ एरिया जो है वो थोड़ा बहुत गर्म रहेगा और आपका फ़ैन जो होगा वो थोड़ी एक्स्ट्रा देर तक चालू रहेगा। तो इसके साथ वो सीन नहीं होने वाला, फटाफट गर्म हो जाएगा तो भी फटाफट ठंडा हो जाएगा जैसे हवा लगेगी, क्योंकि एल्युमिनियम हीट को फटाफट छोड़ देता है, इसीलिए एल्युमिनियम के भी फिन्स आते हैं गाड़ी में। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है अभी अपना, ये फाइनल रिज़ल्ट आप देख पा रहे हो, वो कैमरा में अंदर घुसा के दिखा रहा हूँ अभी आपको। सो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है और क्रॉस लगाया तो छोटे मोटे पत्थर भी सीधा डायरेक्ट जाके लगेंगे नहीं, और क्लीन भी इजीली हो जाएगा दूर से, मतलब हल्का सा प्रेशर। एक बात याद रखना कि रेडिएटर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं मारना होता, सीधा आप हल्का फुल्का प्रेशर मार के साफ़ कर सकते हो। सो अभी बाकी का व्लॉग हम लोग घर पे कंटिन्यू करेंगे या फिर बाद में, क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुका हूँ। सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। A few moments later. तो आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है इसके लिए आपको। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ मटेरियल के लिए। तो आपको ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो पूरी तरह से फ्लैट हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये जाली लगाने से अच्छा मैं आयरन की एक जाली आती है जो कि प्रॉपर जाली होती है, ऐसी इस टाइप की जाली होती है, तो मैं वो लगवा लूँगा। तो मेटल में एक तो पहली बात रस्ट लगता है, और वो रस्ट लग के वो जब आप गाड़ी वॉश करोगे वो पानी वगैरह जो रस्ट का होगा, जब से आप रेडिएटर से आप गाड़ी धोगे तो रेडिएटर में काफ़ी देर तक पानी रहता है, तो नीचे एग्जॉस्ट पे वगैरह गिरेगा तो वो रस्टिंग पूरी फैला देगा उस एरिया में, मतलब चेसिस पे भी रस्टिंग होगी आपकी, उसके बाद में रेडिएटर के कुछ पार्ट्स पे लग जाएगी, नट बोल्ट सड़ जाएंगे, उसके बाद एग्जॉस्ट पे गिरेगा वो अलग से। तो इसीलिए आपको आयरन वाली चीज़ नहीं लेनी है। उसके बाद आता है SS, तो SS मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील की भी आप बोलोगे जाली, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी आती है। तो एग्जाम्पल के लिए ये पकड़ लो, ये मेरी एक मतलब सिंगल रॉड है समझ लो ये SS की, और जाली अगर आप ले रहे हो तो वो कुछ इस टाइप से जॉइंट होगी। तो उसकी जो ओवरऑल थिकनेस होगी ना, तो वो थिकनेस आपका जो प्लास्टिक का गार्ड है वो आप उसके बाद में फिर बैठा नहीं पाओगे, और वो जाली लगाने के बाद पूरा पूरा वो भंगा रहेगा एकदम से, मतलब ऐसा रहेगा कुछ तो अंडसंड जुगाड़ कर दिया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ज्यादा थिकनेस वहां पे होनी नहीं चाहिए। अभी मेरा जो है वो आप कह लो कि इतना मतलब माइनर, मतलब एक दो स्पेसर जितना, मतलब दो स्पेसर जो आते हैं बड़े बड़े, उतना ही गैप उन्होंने लिया है। अगर आप दूसरा कोई जाली वगैरह डालते हो तो वो प्रॉपर बहुत ज्यादा आपका प्लास्टिक बाहर की तरफ आ जाएगा, और जब आप ज्यादा टाइट मारोगे तो आपका जो प्लास्टिक का वो जो पार्ट है जो आपकी मिट्टी को रोकता है ऊपर जाने से वगैरह, तो वो क्रैक हो जाएगा। तो ये मैं पहले ही डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ ये सब आपके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो गाइस मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हेक्सागोनल एल्यूमिनियम नेट मैंने यूज़ किया है। ये नेट मोस्टली यूज़ होता है अपनी विंडोज़ जो होती है घर की उन पे लगाया जाता है बाहर की तरफ, ताकि कबूतर वगैरह ना आए। ये ज़्यादातर आपको सिटी वाले साइड के हार्डवेयर में देखने के मिल जाएगा। इसमें आपको प्लास्टिक भी मिल जाता है सेम, फिर काफ़ी साइज भी मिल जाते हैं, बट मैंने जो लिया है उसमें आपकी बेबी फिंगर है वही बस क्रॉस कर पाएगी। आप इससे पता लगा सकते हो कि ये परफेक्ट है कि नहीं, बस आपकी बेबी फिंगर उसमें जानी चाहिए, मतलब पूरी नहीं जानी चाहिए, बस ये टिप जाएगी आपकी। तो उससे आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हो कि कितना आपने को बड़ा साइज छोटा साइज देना है, अगर उससे बड़ा है तो लेके मतलब नहीं। और जो जब भी आप ये वाला नेट लो तो इसको आप डबल करके ही लगाना, क्योंकि सिंगल करोगे तो थोड़ा सा मतलब छोटे मोटे पत्थर आर पार जा सकते। तो उसके साथ अगर मैं एक और बात कहना चाहूँ आपको, जो भी मटेरियल लोगे आप एल्यूमिनियम का ही लेना, मतलब मोस्टली प्रेफर करना, क्योंकि एल्यूमिनियम में ना रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है ना ही वो मतलब हीट को ज़्यादा देर पकड़ के रखते हैं, वो फटाफट ठंडा होता है। और आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दूँ कि रेडिएटर के फिन्स जो होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के ही होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा रेडिएटर में जो अपना कूलेंट आता है वो भी फटाफट फिन्स के मतलब जरिए वो हीट को स्प्रेड कर देता है, वो ठंडा हो जाता है और वापस इंजन में चला जाता है। तो होप करता हूँ कि ये जो वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके बहुत काम आएगी, और आप भी अपने इसमें गार्ड इंस्टॉल कर सको। जो अमेजोन पे वगैरह अवेलेबल गार्ड्स है उनकी प्राइस है 1400 रुपये, 1000 रुपये के नीचे तो एक भी नहीं है, तो ये आप करवा सकते हो, और उसका कुछ मतलब भी नहीं होता, उसमें पूरी की पूरी पट्टियाँ खुली रहती है। तो कुछ ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडिएटर है उसका काम है इंजन कूलेंट को ठंडा रखना। तो इसके लिए आप वहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ भी मत कर देना, प्रॉपर जो है मैंने लिया ये प्रॉपर एक मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा गाड़ी पे 19-20 का भी। तो ऑलरेडी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो इसे और ज़्यादा बढ़ाने बनाते तो करते इस ब्लॉग को ये पेंट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी लंबी क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बाय बाय, पीस आउट।